ये एनएमसी बिल टोटली अनडेमोक्रेटिक है, ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर को रुइन करता है, ये गरीब विरोधी है, ये देश का आम आदमी का विरोधी है। और ये बिल लाने से अभी देश का जो रूरल इंडिया है उसका जो स्टूडेंट मेरिट के बेस में डॉक्टर हुआ करता था आज तक, वो पूरा खत्म हो जाएगा। मेडिकल एजुकेशन को कॉरपोरेटर के साथ मॉर्गेज करने का ये एक तरीका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे 42 पीएससी को बेच दिया, ऐसे ही वो टोटल मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को बेचने का कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रोटेस्ट इसके इंसेप्शन से जारी है 2017 से, और आज ये हमारा एक चुनौती है, एक चेतावनी है। इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगा तो आने वाला दिन में इसका कॉन्सिक्वेंस के लिए गवर्नमेंट को तैयार रहना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटर कॉन्सिक्वेंसेज। इफ नीडेड वी विल गो फॉर इंडिफिनिट क्लोजर ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन द कंट्री ऑल्सो।